जहानाबाद जिले के समाहरणालय में डीएम और एसपी ने चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक बैठक में राजनीतिक दलों के नेता सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में ही नेताओं को आचार संहिता के पालन करने का निर्देश दिया गया। जहानाबाद जिले में बंधन बैंक के कर्मचारी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 लाख छीन लिए। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी बाजार से लोन की राशि वसूली कर वापस बैंक लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जहानाबाद जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अधिकारी नवीन कुमार ने सभी जीविका दीदी और आशा कार्यकर्ता के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। वहीं इस मौके पर DDC, DPO सहित अन्य बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए COVID-19 का जो समय है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार वर्चुअल मीट के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम हमारे वोटर्स थे, यंगस्टर थे, उनको, कॉलेज के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको, प्रोफेसर और वापसी श्रमिक जो आए थे उनके साथ हम लोगों ने फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग की थी। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी सरकार द्वारा जारी कोरोना संक्रमण काल में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। दरअसल विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार अपने साथ समर्थकों का हुजूम लेकर आ रहे हैं। इस दौरान ना ही वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जिले के कई प्रमुख इलाकों सहित रेड लाइट एरिया में भी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर SDM ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर किया जा रहा है। एक सामान्य विधि व्यवस्था संधारण की एक प्रक्रिया है। हम लोग अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और वैसे सभी संवेदनशील हेड टोलों में हम लोग का ये फ्लैग मार्च होगा, जिससे चुनाव आचार संहिता एवं विधि व्यवस्था संधारण में मदद मिल सके। मुजफ्फरपुर जिले में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। 6 विधानसभा सीटों के लिए कई दिग्गजों के साथ साथ राज्य सरकार के मंत्री भी नामांकन करेंगे। अरवल जिले के कलेर प्रखंड अंतर्गत भीमल बीघा निवासी नरेंद्र कुमार 60% विकलांगता प्रमाण पत्र लेकर जिला से ब्लॉक तक का चक्कर लगा रहे हैं। नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें ट्राई साइकिल के लिए कई वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो वीडियो साहब से इस संबंध में मुलाकात करना चाहते हैं। अरवल में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार महानंद सिंह मैदान में उतरे हैं। इस दौरान कलेर बाजार में महागठबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन प्रत्याशी ने लोगों से वोट देने की अपील की। पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में NDA की ओर से हम पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। जो पिछड़े, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो भी गरीब गुरबे जिस भी जाति धर्म समुदाय से आते हैं, उनके हर समस्या का निदान समाधान करना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बोधगया पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। दरअसल राजस्थान पुलिस की ATS की कस्टडी से रविवार को एक कैदी हथकड़ी सहित फरार हो गया। आपको बता दें कि कैदी के साथ ATS की टीम बोधगया के कालचक्र मैदान के नज़दीक एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी, जहाँ कैदी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। बोधगया से जो आए थे वो राजस्थान से पुलिस उनको लेकर आई थी और उसकी सूचना कोई स्थानीय थाने को उपलब्ध नहीं थी। लोग अपने स्तर पर किसी निजी होटल में रुके थे और उसी होटल से ही रात में कैदी भाग गया है। संबंध में भागने के बाद उनके द्वारा बोधगया थाना को सूचना दी गई। इस संबंध में बोधगया थाना में प्राथमिकी अंकित की गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते हैं। गया में निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि जो मतदाता पोस्टर बैलेट पेपर के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, उन्हें मतदान केंद्र पर जाकर वोट देना होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए 80 वर्ष के ऊपर वाले मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा मुहैया करवाई थी, जिसके लिए आवेदन देना अनिवार्य था।